एजुकेशन जो कोई लेना चाहता है ज्वाइनिंग कर लिया कर लिया ठीक है, लेकिन वो रेगुलर कॉलेज कर रहा है ठीक है सेकेंड ईयर में ठीक है, तो क्या सर उसको फर्स्ट डे से सर देखिए हाँ ठीक है वो ज्वाइन करेगा ना, ज्वाइन करने के बाद वो परमिशन लेगा, परमिशन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि भाई मेरा ये फर्स्ट ईयर है मैं सेकंड ईयर का एग्जाम देना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया सेकंड ईयर में मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, उसके लिए आपको एप्लीकेशन के माध्यम से परमिशन लेना पड़ेगा ब्रांच ऑफिसर के थ्रू, तो वो ब्रांच ऑफिसर उसको परमिशन देगा और लेटर के साथ आपको परमिशन दे दिया जाएगा, वो जब आपका जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आप पास कर जाएंगे वो जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आप फिर एप्लीकेशन लिखेंगे मेरा सर्टिफिकेट को सेवा पुस्तिका में दर्ज कर दिया जाए, वो सेवा पुस्तिका में हम लोग दर्ज कर देते हैं। तो मतलब सर मैं ऐसा समझ रहा हूँ तो ऐसा है कि मान लीजिए कोई किसी का 3 इयर्स का कोर्स है और उसका रेगुलर कोर्स ठीक है जाना है नहीं कॉलेज जाने के लिए तो ऐसा नहीं है, कॉलेज जाने के लिए तो उतना दिन का छुट्टी तो देगा नहीं, 1 साल का नहीं मिल सकता, कैसे मिलेगा, नो पे नो वर्क वाला, नो वर्क वाला होगा परमिशन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा परमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको पे नहीं मिलेगा, पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जिसको बोलते हैं विदाउट LWP विदाउट लिप आपको पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा हाँ, लेकिन आपको परमिशन दे देगा कि आप पढ़िए। कितना दिन तक दिया जा सकता है ये मोटा मोटी मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं। अच्छा एक चीज और है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वो ग्रुपी का ज्वाइनिंग कर रहा है उसके पास 12th का भी डिग्री है उसके पास ग्रेजुएशन का भी डिग्री ठीक है, लेकिन उसे मेंशन नहीं किया, लेकिन मेंशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप RRC RRB के द्वारा भरते हैं फॉर्म तो उसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि कितना क्वालिफिकेशन में आप भर सकते हैं, जो आपने रिक्रूटमेंट में भरा उसको ही हम लोग मेंशन करते हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में भी मेंशन कर देते हैं, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको बाद में हम लोग मेंशन कर देते हैं। सर मेरा सवाल ये है सर कि कोई किसी के पास सर 12th की डिग्री है ठीक है और वो 10th बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूट हो जाए, हाँ 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 ठीक, तो वो पहले नहीं बताया कि हम 12th ठीक है, हाँ ठीक है, बाद में आके यहाँ बता सकता है मैट्रिक पे, हाँ क्यों नहीं बताएगा, बता सकता है एकदम क्यों नहीं बताएगा, जब है तो उसका तो रिक्रूटमेंट तो मैट्रिक बेसिस पे हुआ लेकिन वो 12th किया हुआ, लेकिन उसका बाद में भी वाला सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पहले से भी किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है।